हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है शानू गर्ग और मैं स्टार्ट करूंगा आज इस एल्गोरिथम से जिसमें हमें इस गिवन एरे की पॉसिबल सब एरेज निकालनी है, उनका सम निकालना है और जो मैक्सिमम सम है उसे प्रिंट करना है। ओके, आई हैव दिस एरे, आई एम टू फाइंड ऑल पॉसिबल सब एरेज दैट हैज कॉन्टिग्यूस एलिमेंट्स। यस, दैट मस्ट हैज कॉन्टिग्यूस एलिमेंट, मतलब उस सब एरे का जो इंडेक्स है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट रखना चाहिए और एक एंड पॉइंट रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सब एरे बनाऊं जिसमें ये हो, ये हो, ये हो, ये हो और ये हो। द एरे मस्ट हैव अ फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड अ फिक्स एंड पॉइंट एंड दैट कैन बी दिस 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 एनीथिंग, बट दैट मस्ट बी कॉन्टिग्यूस। ओके, तो यार हमें क्या करना है, सब एरेज निकालनी है, उनका मैक्सिमम सम प्रिंट करना। सिंपल क्वेश्चन, क्लियर है? ओके, नाउ वी हैव थ्री अप्रोचेस, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन। मैं सारी बताता हूं। फर्स्टली आई विल नंबर इट्स इंडिसेस। नाउ इन दिस अरे फर्स्टली आई विल स्टार्ट विद दिस फर्स्ट अप्रोच दैट इज वेरी बेसिक एंड एक्सपेक्टेड अप्रोच फ्रॉम अ नूबी। सो इन दिस अप्रोच व्हाट वी विल डू इज, देखो यार, वी हैव वेरी बेसिक अप्रोच इन दिस, द वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू फाइंड ऑल पॉसिबल सब एरेज एंड टू कैलकुलेट इट्स सम एंड स्टोर द बेस्ट सम एंड गेट दैट प्रिंटेड। मतलब हम इसमें क्या करेंगे, सारी सब एरेज निकालेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग सब सम निकालेंगे और अगर वो सम सबसे अच्छा हुआ, सबसे अच्छा तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना यार, वी विल गेट द सम एंड स्टोर द बेटर वन इन बेस्ट। जो हमने भी सम निकाला है, अगर वो ज्यादा है बेस्ट से, मतलब बेस्ट है अब तक का सबसे अच्छा सम, अब तक के सबसे अच्छे सम से अगर बढ़िया हुआ है तो उसे स्टोर कर दो बेस्ट में, अगर वो बेकार हुआ तो प्रीवियस वाला ही स्टोर है, तो बस ये करेंगे। ठीक है, ये हमने स्टोर करने के लिए, स्पेस बचाने के लिए ऐसा करा है। ओके, सो व्हाट वी विल डू नाउ इज, हमें इस एरे के सारे पॉसिबल सब एरेज निकालने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए और एक एंड पॉइंट चाहिए और फिर वो एक सब एरे हो जाएगी, उसका सम निकालेंगे, उसे एक्सेस करेंगे, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट निकालने के लिए कुछ जुगाड़ करना है। सो से ए इज स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट आर ऑल पॉसिबल स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ सब एरे, 0 टू एन माइनस 1, एनी सब एरे कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस 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 एंड एंडिंग पॉइंट आर After starting point till the end, simple है ना? We have a element that points all possible starting point. We have a element that points all possible end points. So we have starting point, end point. In this, what we will do is, हम एक loop चलाएंगे, ठीक है? लूप होगा ए से लेके एन तक का, ए से लेके बी तक का। यार ये एक सब एरे है ना, इस सब एरे का मैंने एक लूप चलाया है और इस लूप में मैं सम को स्टोर कर दूंगा। मतलब ए और बी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होगा ना, कि एक लूप हो गया है या लूप का एक एलिमेंट हो गया है जो उस सब एरे के सभी एलिमेंट्स को पॉइंट करेगा। मैंने एक गिवन सब एरे के लिए एक सम निकाला और बेस्ट के अंदर जो बेहतर हो उसे स्टोर कर दो। सिंपल है ना, ये तो क्या हमारा काम। अब इसके अंदर एक लूप लगा है, दूसरा लूप लगा है,
और तीसरा लूप लगा है। सिंपल, तीन लूप हो गए, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब हो गया। इसमें हम सम को स्टार्ट करेंगे यहां से, इनिशियलाइज मतलब, और बेस्ट को इनिशियलाइज करेंगे यहां से। मैं यहां पे -100 भी डाल सकता हूं, ताकि जो अगर कोई एरे है उर्फ सब एरे यहां से स्टार्ट हो यही खत्म हो, तो उसका -1 बेस्ट के अंदर जाए। ऐसा ना हो कि यार -1 तो बड़ा है तो फिर कैसे, छोटा है तो फिर कैसे, इतना ही सोचना बेहतर होगा। तो मैं बेस्ट को -100 रखता, अगर मैं बेस्ट को 0 रखता तो ये माइनस वाला स्टोर ही नहीं करता बेस्ट में। इससे मैंने बेस्ट को स्टार्ट करा -100 से, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर ऑफ एन क्यूब की अप्रोच। दिस इज अ स्मार्ट अप्रोच इफ यू आर नूबी। नाउ वी विल सी अ बेटर अप्रोच। तो यार हमें पता है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा 0 से n-1, एंड पॉइंट होगा स्टार्टिंग पॉइंट से लेके ऑल पॉसिबल एंड पॉइंट्स तक, ठीक है। अभी क्या है, यार मुझे पता है ना मैं क्या कर रहा हूं। अगर कोई यहां से स्टार्ट हो रही है सवेरे, तो मैं क्या कर रहा था एन क्यूब वाले में, इसका सम निकाल रहा था, इसका सम निकाल रहा था, इसका सम निकाल रहा था। लेकिन बात यह है ना यार कि इसका सम और इसका सम एक एलिमेंट की तो डिफरेंस रखता है यार। इसका सम और इसका सम एक एलिमेंट का तो डिफरेंस रखता है, तो उसके लिए पूरा लूप क्यों चला रहा हूं। मतलब यार स्टार्टिंग पॉइंट मेरे को पता है, एंड पॉइंट मेरे को पता है, तो मैं जो लूप चला रहा हूं वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक क्यों चलाऊं, नहीं चलाना मुझे। आई हैव बेटर अप्रोच। मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसमें सम तो कर दूंगा के जी, हाँ जो ये है उसे सम कर दिया जाए। मतलब ए ये है और बी भी यही है, तो मैंने सम के अंदर डाल दिया उसे। लेकिन जब अगले वाला है तो मैं यहां से यहां तक का लूप नहीं चलाऊंगा, बल्कि जो पहले से सम था -1 उसके अंदर इसे ऐड करूंगा ना, बस एज सिंपल एज दैट। समझे, सम के अंदर मैंने इस बार प्रीवियस एरे तक का जो सम था उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट ऐड करा है, एक लूप नहीं चलाया उसके लिए। अगर मैं यहां तक था पहले तो मैंने इसे सीधा सीधा ऐड कर दिया अगले के लिए, मैंने यहां से यहां तक पूरा लूप नहीं चलाया, मैंने उसे एक लूप को हटा दिया। तभी मैंने सम के अंदर प्रीवियस सम प्लस नए वाला एलिमेंट ऐड करा और बेस्ट के अंदर डाल दिया मैक्सिमम ऑफ बेस्ट एंड सम। अब जो बेहतर हो जाए आप स्टोर कर लो बेस्ट के अंदर सिंपल, ठीक है। बात आती है हमें सम को कहां इनिशियलाइज करेंगे, देखो यार बेस्ट तो सीधी सीधी सी बात है सबसे बाहर स्टार्ट होगा और फिर इस एरे के लिए एक ही बेस्ट होगा एंटायरली। लेकिन जो सम है यार यहां पर ठीक है, इसे निकालने के लिए ठीक है, इसे निकालने के ठीक है, लेकिन जब मैं इससे यहां तक पहुंच गया तो मेरे को जब अगला एलिमेंट यहां से स्टार्ट करके यहां तक दिखाना होगा तो इसका तो कोई सेंस नहीं है ना। मतलब पूरे गिवन ए एक सम होगा और जब उस ए से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें सम को 0 कर देना है, ठीक है। तो इस बॉडी के अंदर मैं ए को, सॉरी सम को 0 कर दूंगा, ठीक है। मतलब यहां से मैंने स्टार्ट करा तो सम 0 है, इसे चेक करो, इसे चेक करो, इसे ऐसे ऐसे कर दो, फिर जब अगले वाले ए पे आओ तो सम 0 होना चाहिए जी, क्योंकि यहां से स्टार्ट होने वाली सब एरे का सम पहले एलिमेंट पे जब ऐड होने वाला है तो 0 होना चाहिए, ठीक है। अभी इसके अंदर ये लूप है और ये लूप है, सिर्फ 2 लूप है, काम अपना वही चल रहा है ना। मैंने वो जो स्टार्टिंग से लेके वहां तक के लिए, मतलब एक गिवन सवेरे के लिए सम निकालने के लिए जो मैंने लूप लगाया था, मैंने वो छोड़ दिया, मैंने इस एलिमेंट को ऐड करा। उसी ए के लिए जो अगला बी आएगा उसमें मैंने अगले एलिमेंट को ऐड कर दिया, मैंने लूप नहीं चलाया। तो अगर यहां तक पहुंच गया तो मैंने ये अगला एलिमेंट ऐड कर दिया बस,
कोई लूप नहीं चलाया मैंने, ठीक है ओके। तो इसमें दो लूप थे, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर अपना हो गया पूरा, ठीक है। बात आती है ऑर्डर ऑफ एन की, दिस इज वेरी नाइस केस, बहुत अच्छा केस है यार, बड़ा स्मार्ट केस, ऐसे तो मैं चाहता हूँ जिंदगी में यार, ऐसे स्मार्ट केस होने चाहिए। ऑर्डर ऑफ एन है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक बहुत जानी मानी एल्गोरिदम है, केडेंस एल्गोरिदम, ठीक है। उसके अंदर हमें गिवन एरे में से सब पॉसिबल सब एरेज का सम जो मैक्सिमम है वो निकाल लेते हैं, है ना तुम्हारी बात। ऐसा लग रहा है कि हमने स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तो कर दिया, चलो एडजस्ट एन क्यूब को एन स्क्वायर तो कर दिया, लेकिन अभी एन कैसे करेंगे बताते हैं कैसे करते हैं। चलो तो यार हमें क्या करना है, हम इसमें एंड पॉइंट्स के लिए लूप चलाएंगे बस, सिंपल। मतलब कैसे, देखो यार थोड़ा अजीब लगेगा, लाइट ठीक है टाइम आराम से समझ आएगा, टेक अ डीप ब्रेथ। तो यार ये एंड पॉइंट होगा, उसके बाद ये एंड पॉइंट होगा, उसके बाद ये, देखो यार मैं भी जो बोलूंगा तुम्हें दो मिनट तक समझ में नहीं आएगा, उसके बाद इसका सेंस बनेगा, तो दो मिनट तक समझो। मैं एक लूप चलाऊंगा जो जीरो से लेके एन माइनस वन तक होगा। अब ये होंगे सारे एंड पॉइंट्स, ठीक है यार इतना क्लियर है। अब इन सभी एंड पॉइंट्स के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सवेरे का सम निकालूंगा और उसे बेस्ट में स्टोर करूंगा, ठीक है। तो बेस्ट के अंदर जाएगा मैक्सिमम ऑफ बेस्ट और सम। अब बात आती है कि अरे यहां तक तो हो गया, मैं एंड पॉइंट से सम कैसे निकालूंगा उस एरे का, उस सब एरे का, और उस सब एरे का अगर मैं सम निकालता भी हूं तो इस एंड पॉइंट तक तो काफी सारी सब एरेज बनेंगी, तो कैसे ये कैसे निकालूंगा मैं बताता हूं यार। देखो सिंपल है, मुझे पता है कि यहां तक का जो सम होगा वो माइनस वन ही होगा ना, एक ऐसी सब एरे जिसका एंड पॉइंट यहां है उसका सम माइनस वन है। तो मैंने सम के अंदर डाला ये, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं प्लस नहीं करूंगा, इसमें प्लस करने बैठा तो अगले में दिक्कत मैं हटाऊंगा और मैं सम के अंदर डालूंगा मैक्सिमम ऑफ। देखो यार मुझे पता है कि अगर मैं इसके एंड पॉइंट तक जाऊंगा, ये अगर एंड पॉइंट है किसी सब एरे का, तो मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं ये एलिमेंट स्टोर कर दूं के जी यहां पे एंड होने वाली सब एरे का जो मैक्सिमम सम होगा वो ये एलिमेंट होगा, या फिर जो पॉसिबल सम है यहां पे एंड होने वाली का वो है यहां तक की एरे का जो सम था प्लस ये एलिमेंट। देखो यार इस पे एंड हो रही है ना, अरे यही है मेन कॉन्सेप्ट, उसी कुछ सेकंड हो गया मैं समझ लो, बहुत अच्छा है। इस पे अगर कोई सब एरे खत्म हो रही है तो दो पॉसिबल चीजें हैं, या तो वो यहीं स्टार्ट होके यहां खत्म हुई है, या फिर वो पहले स्टार्ट होके यहां खत्म हुई है। अगर वो यहीं स्टार्ट होके यहीं खत्म हो गई तो यही उस एरे का सम हो गया, या फिर अगर वो यहां खत्म हुई है लेकिन स्टार्ट पहले हो गई थी तो यहां तक का मैक्सिमम सम प्लस ये वाला एलिमेंट मतलब फाइव, समझे। यहां पर खत्म होने वाली एरे या तो ये रखेगी या फिर ये प्लस पहले का बेस्ट सम, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, सम के अंदर मैक्सिमम आएगा या तो जो करंट एरे है उसका, या फिर जो प्रीवियस बेस्ट था उसमें ऐड कर दो प्रेजेंट एलिमेंट, समझे क्या। देखो यार सम के अंदर जाएगा मैक्सिमम ऑफ ये वाला एलिमेंट या फिर यहां तक का बेस्ट सम, ठीक है, और उन्होंने स्टोर कर दिया उसके बाद। अभी ये यार सम ये हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सम के अंदर मैक्सिमम होगा ये और ये का, तो बात आती है मैं सम को कहां स्टार्ट करूं और बेस्ट होगा इनिशियलाइज करूं, मतलब तो मैं बेस्ट होगा हमेशा यही इनिशियलाइज करता हूं, क्योंकि बेस्ट तो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट रही है,
बात आती है मैं सम को कहां इनिशियलाइज करूं। फिर सीधी सी बात, यहां पे मैं सम को इनिशियलाइज नहीं करूंगा क्योंकि फिर इसका वजूद खराब हो जाएगा ना। ये सम रखता है यहां तक का बेस्ट सम, मतलब अगर मैं इस इंडेक्स से डील कर रहा हूं तो ये वाला सम रखेगा यहां तक का बेस्ट सम। तो मुझे ध्यान रखना है कि ये यहां पर जीरो ना हो, तो मैं सम भी यहीं पे इनिशियलाइज कर दूंगा। समझिए क्या, इतना ही है बस, बस इतना ही कोड हो गया। इसमें एक ही रूप है, ऑर्डर ऑफ एन, कैडेंस एल्गोरिथम। एक और वर्ड सुनो, क्या था मैंने इसमें, एक एरे में से वो सभी एंड पॉइंट्स निकालिए जो पॉसिबल है, उनके लिए लूप चलाया। अब यहां पे खत्म होने वाली सभी सब एरेज का सम जो होगा उसका मेरे को मैक्सिमम ही तो चाहिए ना अल्टीमेटली। मैं सारे सम क्यों निकालूं, मैंने अभी तक क्या करा था, सारे सम निकाले थे, उन्हें कंपेयर करो, स्टोर करो, मैं भी सम के अंदर ही मैक्सिमम स्टोर करूंगा। कितना स्मार्टली देखो मैंने लूप बना दिया, मैंने सम के अंदर क्या स्टोर करा है कि यार देखो सीधी सी बात है, मैं एक लूप नहीं चलाऊंगा, मैं सारे सम को कंपेयर नहीं करूंगा। मैंने सम के अंदर या तो वो खुद ही बेस्ट एलिमेंट है जो बेस्ट यानी कि मैक्सिमम सम देगा, या फिर वो एलिमेंट प्लस प्रीवियस बेस्ट सम जो होगा वो अब तक का बेस्ट सम होगा। ये सम अब तक का बेस्ट है, और अब तक का बेस्ट से मेरा मतलब है कि इस एंड पॉइंट के लिए जो सम होगा बेस्ट इस इंडेक्स तक वो ये होगा या फिर ये होगा। मतलब ये वाला एलिमेंट या तो खुद के लिए बेस्ट है या फिर ये अगर इसके रिलेटिव्स पुराने वाले इसमें जुड़ते हैं तो बेहतर वैल्यू देते हैं। ऐसे सोचो कि ये एलिमेंट या तो मैक्सिमम सम देगा, एक केस पॉसिबल है, अगर इससे पहले वाले नेगेटिव हुए तो उन्हें क्यों ऐड करेगा, वो खुद ही तो बेस्ट देगा ना कि हाँ जी मैं बेस्ट हूं, आप मुझे चेक करो इसमें। या फिर ये देखिए यार मैंने तो कुछ अपनी पॉजिटिव वैल्यू रखी है और मेरे पुराने जो हैं उन्होंने भी कुछ पॉजिटिव वैल्यू रखी है, ऐड करके वो मैक्सिमम बन सकता है। तो यहां पे जो एंड होगी उसका सम यहां तक के सम प्लस ये वाला एलिमेंट का सम बेहतर हो सकता है। एक और बार सुनो, यहां पे खत्म होने वाली सब एरे का सम यहां का एलिमेंट प्लस यहां तक का बेस्ट सम कसम हो सकता है अगर पुराने वाले नेगेटिव नहीं हुए तो। लेकिन हम नेगेटिव चेक नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा मैक्स चेक कर रहे हैं ना। हम चाहे तो सम के अंदर क्या लिख सकते हैं कि ये वाला एलिमेंट या फिर ये वाला एलिमेंट अगर सम पॉजिटिव हुआ तो। यार ये वैल्यू डेफिनेटली इससे ज्यादा होगी ना अगर सम पॉजिटिव हुआ तो। तो मैं एक और कंडीशन इसकी बजाय मैं एक और कंडीशन लगा सकता हूं कि अगर सम पॉजिटिव है तो सम के अंदर डाल दो सम प्लस ए आर के, और नहीं तो सम के अंदर डाल दो ए आर के, उसे चेक कर दो खत्म। समझ गया यार, बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। एक दो तीन चार, चार लाइन का कोड है, चार का बना दो क्या, ये चार लाइन का कोड है, ठीक है, सिंपल है, एक लूप लग रहा है, ऑर्डर ऑफ एन है, इसे कहते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर हम प्रीवियस एलिमेंट्स तक का सम बड़े डायनेमिकली, डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक होता है कि हम उसे नहीं स्टोर नहीं कर रहे हैं, दैट इज नॉट स्टैटिक, दैट इज ओन द वन डेटा एलिमेंट और हम उसी से गेम खेल रहे हैं आगे, तो ये डायनेमिक, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं कहूंगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर ऐसी और एल्गोरिथम्स की वीडियो देखनी है आगे चल के तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।